हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन से लिया गया है और इस टॉपिक का नाम है द्विपद बंटन। द्विपद बंटन के बारे में हमने पिछले दो वीडियो में यह जाना कि द्विपद बंटन किस प्रकार से निकाला जाता है, द्विपद विस्तार किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से पास्कल ट्राइंगल का इसमें प्रयोग किया जाता है अथवा संचय के प्रयोग से द्विपद बंटन का विस्तार किस प्रकार से निकाला जाता है और साथ ही द्विपद बंटन के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम द्विपद बंटन के माध्यम से कांस्टेंट वैल्यू को किस प्रकार से निकालते हैं, अर्थात द्विपद बंटन से समांतर माध्य किस प्रकार से निकाल सकते हैं, प्रमाप विचलन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, प्रसरण या आपको परिघात अथवा प्रतिशीर्षवत की गणना करनी हो तो द्विपद बंटन से किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से की जा सकती है, इसका अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। तो देखिये, द्विपद बंटन से सबसे पहले हम समांतर माध्य अगर हमको निकालना होता है तो समांतर माध्य निकालने के लिए एनपी यूज किया जाता है, एन बराबर नंबर ऑफ आइटम्स, पी बराबर प्रायिकता। अगर आपको प्रमाप विचलन निकालना है तो प्रमाप विचलन निकालने के लिए द्विपद बंटन में प्रयोग किया जाता है रूट एन पी क्यू, एन बराबर कुल आवृत्ति, पी बराबर घटना के घटने की प्रायिकता, और Q बराबर घटना के न घटने की प्रायिकता। इस प्रकार से अगर द्विपद बंटन से आपको समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य निकालने के लिए X बराबर NP और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप करेंगे NPQ। अगर आपको प्रसरण निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकालना है तो NPQ को करेंगे। इसी प्रकार से अगर विषमता ज्ञात करनी है परिघात पर आधारित तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बीटा बी वन बराबर एन क्यू माइनस पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन पी क्यू, या रूट बीटा वन आपको निकालना है विषमता के लिए तो क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। इस प्रकार से आप विषमता निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रतिशीर्षवत निकालना है तो देखिए प्रतिशीर्षवत के लिए क्या करेंगे, वन देखिए प्रतिशीर्षवत का माप निकालने के लिए थ्री प्लस वन माइनस सिक्स पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी क्यू फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे प्रतिशीर्षवत निकाल सकते हैं। तो देखिए द्विपद बंटन से अचर मूल्य अगर आपसे पूछ ले जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि समांतर माध्य कैसे निकालना है तो आप n को p से गुणा करेंगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको प्रमाप विचलन पूछा जाए तो अंडर रूट एन पी क्यू करके प्रमाप विचलन निकाल सकते हैं। अगर आपसे प्रसरण पूछा जाएगा तो हम जो प्रमाप विचलन है उसका स्क्वायर कर देंगे तो एनपी आ जाएगा। सामान्य रूप से कई बार द्विपद बंटन में विषमता का मान भी पूछ लिया जाता है तो विषमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q माइनस पी को डिवाइड करेंगे अंडर रूट एन पी क्यू से तो हमको विषमता का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर प्रतिशीर्षवत पूछा जाए तो आपको वहां पर क्या करना है, थ्री प्लस वन माइनस सिक्स पी क्यू डिवाइडेड बाई एन पी क्यू करेंगे तो आप प्रतिशीर्षवत का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए द्विपद बंटन के जब सवाल आते हैं और उसमें अचर मूल्य आपसे पूछा जाता है तो किस प्रकार से आप उसको अचर मूल्य की गणना करेंगे इसकी हम डिस्कशन इसमें करेंगे। मान लीजिए आठ सिक्के 256 बार उछाले जाते हैं, क्या है अचर मूल्य निकालने, किस प्रकार से निकालने इसके बारे में बात करेंगे। आठ सिक्के 256 बार उछाले जाते हैं अब जो परिणाम आते हैं वो परिणाम आते हैं जीरो हेड, वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, फोर हेड, फाइव हेड, सिक्स हेड, सेवन हेड और एट हेड।
जीरो बार जो हेड आया वो आया टू, ये आया सिक्स बार, उसके बाद 30 times, 52 times, 67, 56, 32, 10 और 1। देखिए क्या हुआ, 8 सिक्कों को 256 बार उछाला गया एवं हेड आने की गणना इस प्रकार। हेड आया वह निम्न प्रकार है, दो बार तो ऐसा हुआ एक में भी हेड नहीं आया, एक में हेड आया 6 बार, दो में हेड आया 30 बार, तीन में हेड आया 52 times, फोर में हेड आया 67 times, फाइव में हेड आया 56 times, सिक्स में हेड आया 32 times और आठों के आठों में हेड आया 1 times। अब इसमें आपको क्या करना है, द्विपद बंटन से द्विपद बंटन का प्रयोग करते हुए प्रत्याशित आवृत्तिया निकाली। पहला क्या पूछा है, प्रत्याशित आवृत्तिया निकाली निकालो, उसके बाद में पूछा है समांतर माध्य निकालो, उसके बाद में पूछा है प्रमाप विचलन निकालो, प्रसरण निकालो। सबसे पहले प्रत्याशित आवृत्तियां, देखिए n बराबर है 8, कुल घटना हुई 256 बार। देखिए ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है कि 8 सिक्के उछालने पर दो बार ऐसा आया कि एक भी बार हेड नहीं आया। एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी हम निकालते जाएंगे तो लिखते जाएंगे, एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सिक्के हैं 250, 256 बार उछाले जाते हैं, कितने सिक्कों को, 8 सिक्के को, एक भी बार हेड नहीं आए तो आएगा 200। फॉर्मूला होगा बर्नौली थ्योरम का, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। घटना 256 बार होती है तो 256 मल्टीप्लाई 8 से 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर 8, तो आएगा 256 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 रेज टू पावर 8, दैट इज 256 डिवाइडेड बाई 256, तो पहला आएगा 1, या आवृत्ति ही 1। इसी प्रकार से 1 के लिए निकाले तो आएगा 256 गुणा 8C1 पी रेस टू पावर 1 क्यू रेस टू पावर 7, तो आएगा 256 मल्टीप्लाई 8 बाई 1 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 की पावर 7, तो आएगा 256 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 256, दैट इज 8। तो ये फ्रीक्वेंसी आई 8। हमने क्या किया, 0 के लिए निकाल लिया, 1 के लिए निकाल लिया, अब देखिए 2 के लिए निकालेंगे। R बराबर 2 हो तो 256 8C2 P की पावर 2 हो जाएगी, Q की पावर 6 हो जाएगी, तो 256 गुणा 8 गुणा 7 डिवाइडेड 1 गुणा 2 1 बाई 2 रेज टू पावर 2 और 1 बाई 2 रेज टू पावर 6, दैट इज 4, तो आएगा 256 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 256, तो आएगा 28। इसी प्रकार से R बराबर 256 8C3 P रेस टू पावर 3 तो Q रेस टू पावर 5 हो जाएगा, तो 256 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 बाई 2 की पावर यहाँ 3 है और 1 बाई 2 की पावर यहाँ 5 हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 256 गुणा 56 अपॉन 256, तो यह आ जाएगा 56। इसी प्रकार से R बराबर 4 लेंगे तो आएगा 256 8C4 P की पावर 4 रहेगी तो Q की पावर भी 4 हो जाएगी, तो आएगा 256 मल्टीप्लाई 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 1 बाई 2 रेस टू पावर 2 और 1 बाई 2 रेस टू पावर ये दोनों की पावर 4 होगी। तो ये देखिए 8 से 8 कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा तो आएगा 256 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 256, तो आएगा ये 70, ये आपका आया 70। ये हमने 2, 3 और 4 के लिए निकाला। इसी प्रकार से देखिए R बराबर 5, 6 और 7 का और निकालना है, सामान्य रूप से तो वो आएगा ऐसा ही,
56, 28 और 8 और 1 आएगा, फिर भी हम करके बता देते हैं। 5 के लिए निकालना है तो R बराबर 5 को आएगा 256, 8C5, P की पावर 5, Q की पावर 3, 256 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 बाय 2 रेस टू पावर 5 और 1 रेस टू पावर 3, ये 6 से 6 कटा तो आया 256 गुणा 56 डिवाइडेड 256 तो आएगा 56। R बराबर 6 के लिए 256 8C6 पी की 6 हो जाएगी तो क्यू की 2 हो जाएगी, तो 256 मल्टीप्लाई 8 गुणा 7 1 गुणा 2 1 बाय 2 की पावर 6 हो जाएगी और 1 बाय 2 की पावर ये 2, तो देखिए 2 की पावर 8 256 ये कटा 4 टाइम्स तो आया 256 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 256 ये देखिए आया 28। देखिए ये कैसे आ रहा है, 2 रेस 1 बाय 2 रेस टू पावर 8 सब में आ रहा है तो आ रहा है 1 बाय 256 क्योंकि 2 को 8 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा, इसलिए नीचे 256 आ रहा है। R बराबर 7 लेंगे 28 आ गया, R बराबर 7 लेंगे तो 256 8C7 P की पावर 7 तो Q की पावर 1 तो आएगा 256 गुणा 8 बाय 1 1 बाय 2 की पावर 7 और 1 बाय 2 तो आएगा 256 मल्टीप्लाई 8 बाय 2 की पावर 8 ये लिखेंगे 256 गुणा 8 अपॉन 256 दैट इज 8। इसी प्रकार से R बराबर 8 रखेंगे तो 256 8C8 P की पावर 8 आएगा तो Q की पावर 0 आएगा तो 256 गुणा 1 गुणा 1 बाय 2 की पावर 8 बराबर 256 गुणा 1 गुणा 1 बाय 2 156 कट कर आएगा 1। तो ये देखिए ये ओरिजिनल आवृत्ति आई, ये एस्टिमेटेड आवृत्ति आ गई। अब इसमें पूछा गया है कि आप समांतर माध्य निकालिए, ये इस प्रकार से पहले भी हम कर चुके हैं, इस प्रकार से आपको निकालना है। कई वर्ग परीक्षण पूछे तो भी आप इससे कर सकते हैं, वो हम आगे जब पूछेंगे तब बताएंगे। एक्स बार बराबर होता है एन गुणा पी, एन का मान है 8 और सिक्के में हेड आना टेल आना 1 बाय 2, एक्स बार बराबर 8 गुणा 1 बाय 2 सो एक्स बार का मान है 4। समांतर माध्य पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो आएगा एन पी क्यू दैट इज 8 गुणा 1 बाय 2 गुणा 1 बाय 2 दैट इज रूट 2। रूट 2 का मान निकाल लेंगे 1.411। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बताओ एन पी क्यू दैट इज 8 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 दैट इज 2। अब आपको विषमता पूछी जाए, विषमता रूट बी 1 बराबर होता है क्यू माइनस पी अपॉन एन पी क्यू का रूट, ये विषमता का मान होता है तो आएगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 अपॉन रूट 2 तो आएगा विषमता का मान इसमें 0। इस प्रकार से इसमें निकालते हैं, ये देखिए हमने एक सवाल करके देखा। अब देखिए अगर सवाल डायरेक्ट आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये हमने एक सवाल देखा, सीधा आपको प्रायिकता भी दे रखे और उसके बाद आपसे अलग अलग मान पूछे जा सकते हैं। जैसे एक दोषपूर्ण पेच होने की प्रायिकता 1/4 है, एक मशीन से दोषपूर्ण पेच बनने की प्रायिकता 1/10 है तो 400 पेच के डब्बे में डिब्बे में दोषपूर्ण पेच होने की, पहला पूछा समांतर माध्य निकाल। तो देखिए n बराबर है 400 का डिब्बा है,
और दोषपूर्ण पेश होने की प्रायिकता 1/10 है, तो नहीं होने की प्रायिकता 9/10 है। यानी 10 में से एक पेश खराब होता है, बाकी सही होते हैं। समांतर मध्य x बार बराबर होता है एन गुणा पी, तो हम करेंगे 1/2 × 400 दैट इज 4। स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है एन पी क्यू दैट इज 400 × 1/10 × 9/10 दैट इज √36 होगा, क्योंकि 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया दैट इज 6। प्रसरण पूछा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है तो होगा 36। आपसे विषमता पूछी जाए, देखिए इसमें विषमता निकल सकती है, विषमता का मान होता है q − p/√nPq, तो आएगा 9/10 − 1/10 / 400 × 1/10 × 9/10, तो यह आएगा 8/10 / 6, तो आएगा 8 × 10 × 6, 8 में 60 का भाग दे देंगे 0.1343। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए प्रतुशीर्ष शर्त, मोमेंट्स पूछ लिया जाए, तो इसका फॉर्मूला है 1 − 6। वन देखिए इसका फॉर्मूला है 3 + 1 − 6 PQ / NPQ, तो 3 + 1 − 6 × 1/10 × 9/10 / 400 × 1/10 × 9/10। तो ये आएगा 3 + 100 − 54/100 / 36। पॉइंट यह आएगा 0.0127, तो आएगा 3 + 0.0127 दैट इज 3.0127। ये आपका प्रतुशीर्षत्व का मान आएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको सीधी प्रायिकता दे रखी हो और n की संख्या दे रखी हो, तो इस प्रकार से आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं, ये प्रमाप विचलन निकाल सकते हैं, प्रसरण का मान के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे, विषमता निकालने के लिए q − p/√nPq करेंगे, और प्रतुशीर्षक के लिए 3 + 1 − 6 PQ / NPQ रखेंगे, तो आप प्रतुशीर्षक भी निकाल सकते हैं। और प्रतुशीर्षक इसमें आ रहा है 3.01278 का वही आ रहा है। अब देखिए इसी प्रकार से और सवाल करते हैं, अलग अलग तरीके के सवाल अचरांक मूल्य पर भी पूछे जा सकते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू पर। हमने दो तरह के सवाल अभी देखे कि किस प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है। अब देखिए एक दोषपूर्ण पेज होने की प्रायिकता, एक कंपनी जो पेज बनाती है उसमें 40% दोषपूर्ण होते हैं, एक कंपनी के दोषपूर्ण पेज होने की प्रायिकता 40% है, तो 10 पेजों में से, और ये कंपनी 10 पेज बनाती है एक बॉक्स में, एक कंपनी जो पेज बनाती है उसमें से 40% दोषपूर्ण है, तो दोषपूर्ण हो गए 40/100, तो ये हो गया 2/5 दोषपूर्ण, नहीं होने की प्रायिकता 3/5, और एन 10-10 के पैकेट बनाती है। अब पूछ रहे समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है एन गुणा पी दैट इज 10 × 2/5 दैट इज 4। समांतर माध्य क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आपसे प्रमाप विचलन पूछा जाए
तो प्रमाप प्रचलन के हमको लिए एन पी क्यू करना है डायरेक्ट, तो आप करेंगे टेन गुणा टू बाय फाइव गुणा थ्री बाय फाइव। ये 1.54 आएगा। प्रसरण पूछा जाए थर्ड नंबर पे, अगर मान लीजिए प्रसरण पूछा गया, इसका मान होता है एन पी क्यू, तो अगर टेन गुणा टू बाय फाइव गुणा थ्री बाय फाइव, ये टू टाइम्स कटेगा 2.4, ये प्रसरण का मान होगा 2.4। विषमता पूछी जाए, विषमता रूट बीटा वन ये होता है क्यू माइनस पी, क्या होता है क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। तो देखिए क्यू का मान 3/5 - 2/5 डिवाइडेड बाय 10 गुणा 2/5 गुणा 3/5, ये आपको सॉल्व करना है, तो ऊपर रह जाएगा 1/5 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2.4, तो आप लिखेंगे 1/5 अंडर रूट 2.4, इसको निकाल लेंगे। 2.4 का रूट निकाला, उसको 5 से गुणा किया और 1 में उसका भाग दिया, तो ये आया 0.129। ये विषमता। इसी प्रकार से अगर प्रथुशीलवत पूछा गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है 3+1 - 6PQ अपॉन एन पी क्यू, ये फॉर्मूला यूज करना है। सीधे सीधे 3+1 - 6, पी का मान 2/3, क्यू का मान 2/5 3/5 अपॉन 10 × 2/5 × 3/5। सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। थ्री प्लस वन माइनस सिक्स गुणा 2/5 × 3/5 अपॉन 10 × 2/5 × 3/5, इसको सोल्व करना है, ये थ्री यहां है, ये प्रथुशीलवत। तो कैसे निकालना है, इसको कैसे सोल्व करना है, देखिए 3+LCM 25 तो आया 25 - 36, 1 - 6PQ तो P का मान 2/5, Q का मान 3/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25, LCM गया 25, डिवाइडेड बाय 2.4 किया था अभी हमने, इसके निकाला था, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 3 - 11/25 × 2.4 तो आएगा 2.8167, तो आ जाएगा 2.8167। इस प्रकार से देखिए अचर वैल्यू निकालते हैं, जैसे जैसे पूछा जाए वो कब ही आपको करते चले जाना है। अब ये अचर वैल्यू के हमने दो सवाल करे कि किस प्रकार से आपको प्रायिकता देके एन का मान देके अचर वैल्यू पूछी जा सकती है। इसके अलावा देखिए अगर आपको ये दे दिया कि एक द्विपद बंटन का समांतर माध्य 3 व प्रसरण 2 है तो संपूर्ण बंटन लिखिए, ये भी प्रश्न आ जाए। क्या पूछा, एक द्विपद बंटन का समांतर माध्य 3 है और प्रसरण 2 है तो संपूर्ण बंटन लिखिए। तो देखिए समांतर माध्य एनपी बराबर देता है 3, प्रसरण
एन पी क्यू बराबर देखा है दो समीकरण एक और समीकरण दो, एक में दो का भाग देंगे, एन पी क्यू बराबर दो बटे एन पी क्यू बटे एन पी टू बाई थ्री, एन पी से एन पी कट गया तो क्यू का मान आ गया टू बाई थ्री। अच्छा पी प्लस क्यू बराबर होता है वन, तो पी प्लस टू बाई थ्री बराबर वन, तो पी बराबर वन माइनस टू बाई थ्री, तो पी का मान आ गया वन बाई थ्री। अच्छा एन पी समांतर माध्य देखा थ्री, तो एन गुणा पी का मान वन बाई थ्री दट इज थ्री, एन का मान आ गया नाइन। अब देखिए तीनों चीज आ गए, एक द्विपद बंटन का समांतर माध्य तीन, समांतर माध्य तीन दे रखा था, प्रसरण दो दे रखा था, तो इससे हमने क्यू का मान निकाल लिया, पी का मान निकाल लिया और एन का मान निकाल लिया। अब पूरा संपूर्ण बंटन लिखना है, तो देखिए पी का मान है वन बाई थ्री, क्यू का मान है टू बाई थ्री और एन का मान है नाइन। अब देखिए बंटन लिखते हैं, ये फॉर्म हो गई हमारी P प्लस क्यू की पावर नाइन, इसको सॉल्व करेंगे फिर P और Q का मान रखेंगे, तो ये होगा P की पावर नाइन प्लस नाइन P की पावर एक घटेगी, Q की पावर एक बढ़ेगी, ये हमने नाइन बाय वन किया। फिर नाइन गुणा एट बाय टू तो आएगा थर्टी सिक्स, P की पावर एक घटी, Q की पावर एक बढ़ी, प्लस 36 गुणा 7 बाय 3 84 आया, P की पावर 6 Q की पावर 3, प्लस 84 को 6 से किया और भाग दिया 4 का, तो ये 2 बार ये 3 बार, 42 को 3 से करेंगे 126, 126 P की पावर 5 हो गई, Q की पावर 4 हो गई। इसके बाद देखिए यहां आएंगे 126 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 126 ही आएगा, P की पावर 4 रह गई, Q की पावर 5 हो गई, प्लस 126 गुणा 4 अपॉन 6, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स, तो आएगा 84, पी की पावर 3 क्यू की पावर, पी की पावर 3 क्यू की पावर 5, टोटल 9 है 6, ये 5 P 6। अब देखिए प्लस 84 को 3 से करके 7 का भाग देंगे, 36 पी की पावर 2 रह गई, क्यू की पावर 7 हो गई, प्लस 36 गुणा 2 अपॉन 8 9, पी 1 रह गया, Q 8 हो गया, प्लस 9 गुणा 1 अपॉन 9, तो Q की पावर 9। ये हमने सॉल्व किया, ये कोई काम का नहीं, हमने सीखा इससे। अब देखिए ये आपका हो गया 1 9 36 84 126 126 84 36 9 और 1, ये P प्लस Q की पावर 9 का है। अब P का मान देखें तो यहां रखेंगे 1 बाय 3 की पावर 9 प्लस 9, P का मान 1 बाय 3, Q का मान 2 बाय 3, ये 36 P का मान, ये Q का मान 2 हो जाएगा, प्लस 84 1 बाय 3 की पावर 6 रह जाएगी, 2 बाय 3 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 126 1 बाय 3 की पावर 5 रह जाएगी, 2 बाय 3 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 126 1 बाय 3 की पावर 4 और 2 बाय 3 की पावर 5, प्लस 84 1 बाय 3 की पावर 3 रह गई, 2 बाय 3 की पावर 6 हो गई, प्लस 36 ये वाला 1 बाय 3 की पावर 2, 2 बाय 3 की पावर 7 हो गई, प्लस ये 9 1 बाय 3 की पावर 1 रह गई, 2 बाय 3 की पावर 8 हो गई और लास्ट 2 बाय 3 की पावर 9 हो गई। तो इसका पूरा विस्तार निकालेंगे, तो
थ्री को नाइन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वन नाइन सिक्स एट थ्री, वन अपॉन वन नाइन सिक्स एट थ्री प्लस, अब नाइन टू जाए एटीन, नीचे वही आएगा क्योंकि देखिए तीन की पावर आठ और एक नौ, तो हमको क्या करना है, थ्री मल्टीप्लाई थ्री टू टाइम्स मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई ट्वेंटी सेवन, वन नाइन सिक्स एट थ्री ओके। अब देखिए ये नाइन, देखिए नाइन तो ये है, ये टू है, ये तो आएगा एटीन, वन नाइन सिक्स एट थ्री, ये थर्टी सिक्स है और थर्टी सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई फोर दैट इज वन हंड्रेड फोर्टी फोर, वन नाइन सिक्स एट थ्री प्लस एटी फोर मल्टीप्लाई एट सिक्स सेवेंटी टू, वन नाइन सिक्स एट थ्री। अब 126 को अपन करेंगे 16 से, 2016 19683, 126 का 32 से गुणा होगा, 126 मल्टीप्लाई 32 तो ये हो जाएगा 4032, 4032 19683, फिर 84 मल्टीप्लाई 64, टू रेस टू पावर सिक्स बराबर 64, 5376, 5376 19683। अब ये वाला करना है, 128 मल्टीप्लाई 36, 4608, 4608 19683, ये वाला करना है, टू कप एट टाइम्स, टू फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई नाइन, टू थ्री जीरो फोर 19683, और लास्ट में टू की पावर नाइन, फाइव वन टू, 19683। तो ये ऊपर ऊपर का सब कैलकुलेट करेंगे, वन प्लस एटीन प्लस वन फोर फोर प्लस सिक्स सेवन टू प्लस टू, ऊपर ऊपर का सब कैलकुलेट करेंगे तो पहला आया नाइनटीन, वन फोर फोर सिक्स सेवन टू, टू जीरो वन सिक्स, फोर जीरो थ्री टू, फाइव थ्री सेवन सिक्स, फोर सिक्स जीरो एट, ये वाला टोटल किया, टू थ्री जीरो फोर, फाइव वन टू, तो आएगा ऊपर भी इस सबका टोटल है 19683 अपॉन 19683। तो ये देखिए इस प्रकार से ये आया, एक द्विपद बंटन का समांतर माध्य थ्री और प्रश्न दो है तो संपूर्ण बंटन लिखिए, तो संपूर्ण बंटन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार से करना पड़ेगा, या फिर आप एक एक का यूं लिखेंगे कि x बराबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वन अपॉन वन नाइन सिक्स एट थ्री, इसकी आएगी एटीन अपॉन वन नाइन सिक्स एट थ्री, इसकी आएगी वन फोर्टी फोर अपॉन वन नाइन सिक्स एट थ्री, ये इस प्रकार से सबकी प्रोबेबिलिटी आएगी और इस प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आप निकालेंगे तो इस प्रकार से संख्या आएगी वन एटीन वन फोर फोर, इस प्रकार से आपको करना है। ये आपको देखिए एक तीसरे तरीका बताया कि द्विपद बंटन से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि समांतर माध्य और प्रश्न दे रखा हो तो संपूर्ण बंटन को निकालना भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से देखिए द्विपद बंटन में और भी कई तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, x देखिए एक आया है
कि एक द्विपद बंटन का समांतर माध्य 20 व प्रसरण 4 है, तो एन पी क्यू के मान निकालो, ऐसा भी पूछा जा सकता है। सिंपल सा है। तो देखिए एन पी बराबर देखा है 20, एन पी क्यू बराबर देखा है 4, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी दैट इज 4/20, एन पी से एन पी कटा तो क्यू बराबर आया 1/5, और q बराबर 1/5 आया तो p बराबर आ गया 4/5, n गुणा 4/5 दैट इज 20, n बराबर 5 गुणा 20/4, n बराबर 25। इस प्रकार से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक द्विपद बंटन का समांतर माध्य और प्रश्न दे रखा है और एन पी क्यू के मान पूछे जाएंगे तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से देखिए और क्वेश्चन देखिए, एक परिवार है उसमें बालक होने और बालिका होने की प्रायिकता मान लीजिए बराबर है, लड़का होने और लड़की होने की प्रायिकता बराबर है, लड़का होने की संभावना भी 1/2 है और लड़की होने की भी संभावना 1/2 है। 4096 परिवार है, कितने 4096 परिवार में 4 बालक है, उनमें लड़का होने की प्रायिकता निकालो, होने की प्रत्याशित आवृत्ति निकालिए। देखिए यह माना गया कि लड़का होने की संभावना भी 1/2 है, लड़की होने की संभावना भी 1/2 है, एन बराबर है 4096 परिवार, हर परिवार में 4 बच्चे हैं, लड़का होने की संभावना भी आधी है और लड़की होने की संभावना भी आधी है, तो हमको ये निकालना है प्रायिकता x बराबर 0, 1, 2, 3 और 4, प्रत्याशित आवृत्तियां निकालनी। तो देखिए 0 लड़का होने की संभावना n कैपिटल n n c r p की पावर r q की पावर n माइनस r फॉर्मूला है, तो n बराबर 4 r बराबर 0 तो करेंगे 4096 गुणा 4 c 0 p की पावर 0 q की पावर 4, तो 4096 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1/2 की पावर 4, तो 1/2 की पावर 4 8 16, पहले मैंने 256 परिवार, दूसरा r बराबर 1 लें तो आएगा 4096 गुणा 4c1 p की पावर 1 q की पावर 3, तो आएगा 4096 मल्टीप्लाई 4/1 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3, तो आएगा 4096 गुणा 4/16, ये 4 टाइम्स कटेगा, 4 1 4 0, 4 2 8, 4 4 16, आर बराबर 2 होने की प्रायिकता 4096 गुणा यहाँ 4 4c2 लिखेंगे तो पी 2 आएगा क्यू भी 2 आएगा, तो आएगा 4096 गुणा 4 3/1 2 1/2 की पावर भी 2 और 1/2 की पावर भी 2, तो आएगा 4096 गुणा 6/16, तो ये आएगा आपका 256 को 6 बार गुणा कर दीजिए 1536। इसी प्रकार से 3 लड़के होने की संभावना 4096 गुणा 4c3 पी की पावर 3 क्यू की पावर 1, तो ये आएगा 4096 गुणा 4/1 गुणा 1/2 की पावर 3 और 1/2 दैट इज 4096 गुणा 4/16 दैट इज 1024। लास्ट आर बराबर अगर हम 4 के 4 लड़के देखें तो 4096 गुणा 4c1 पी की पावर
4c4 क्योंकि पावर जीरो, तो 4096 गुणा 1 गुणा 1 बाय 2 की पावर 4 गुणा 1 दैट इज 4096 अपॉन 16 दैट इज 256। तो देखिए जीरो लड़का होने की संभावना 256, ये 1024, ये वाली आई 1536, ये वापस 1024 और ये 256, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 4096। ये देखिए इसमें प्रत्याशित आवृत्तियां पूछी गई थी, तो इस प्रकार से प्रत्याशित आवृत्तियां निकाल ली है। क्लियर। अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया कि यदि x बार बराबर 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बराबर 9 है, यदि x बार बराबर 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है क्या सही है, तो np बराबर 5 और npq बराबर 9, तो हम लिखेंगे npq अपॉन np दैट इज 9 अपॉन 5, तो q बराबर 9 अपॉन 5 गलत है क्योंकि q का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा p प्लस q का मान एक होता है, तो कभी भी p का मान p और q का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, या एक से ज्यादा है इसका मतलब ये सही नहीं है। ये प्रश्न था एक विद्यार्थी ने द्विपद बंटन पर आधारित समांतर माध्य का मान 5 व प्रसरण का मान 9 निकाला, क्या ये सही है, तो हमने इसको कैलकुलेट करके देखा तो हमको ये लगा ये सही नहीं है। अब देखिए एक बेडोल पासा है, बेडोल का मतलब वो सही नहीं है, एक बेडोल पासे में मैं 5 सम अंक आने की प्रायिकता 4 सम अंक आने की प्रायिकता की दुगनी, मैं 5 सम अंक आने की प्रायिकता 4 सम अंक आने की प्रायिकता की दुगनी है। एक बेडोल पासे में 5 सम अंक आने की प्रायिकता 4 सम अंक आने की प्रायिकता की दुगनी है जब 10 बार फेंका जाता है, तो 10-10 के 10,000 बार उछाल में 0 सम अंक आने की, शून्य सम अंक आने की प्रायिकता निकालिए, सम अंक आने की प्रत्याशित आवृत्ति निकालिए। क्या देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बेडोल पासे में 5 सम, देखिए 10 बार फेंका जाता है, r बराबर 5 सम अंक, सम अंक आने का मतलब है प्रायिकता 1/2 होगी पासे में और क्यू भी 1/2 होगी। अब ये कह रहा है एक बेडोल पासे में 5 सम अंक आने की प्रायिकता 4 सम अंक आने की प्रायिकता की दुगनी है, 5 सम अंक आने की 10c5 पी की पावर 5 क्यू की पावर 5 दुगनी है 10c4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 5। एक बेडोल पासे में 5 सम अंक आने की प्रायिकता 4 सम अंक आने की दुगनी है, इसको दुगना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो ये लिखा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 पी 5 क्यू 5 दैट इज 2 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 पी का 4 क्यू का 6 होगा। अब इसको काटेंगे 10 9 8 7
10, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4. तो आया 6/5 P5Q5 के नीचे हम भाग देते हैं 2×P4Q6 तो यहाँ क्या आएगा 1। ये 5 से कटा तो Q बचा, ये से कटा तो P बचा, तो 6/10 P Q बराबर 1, यानी 6P बराबर 10Q, 6P प्लस 10 1 माइनस P, तो आया 6P बराबर 10 माइनस 10P, 16P बराबर 10, तो P बराबर 10 अपॉन 16, तो P बराबर 5/8 और Q बराबर हो गया 3/8। वापिस समझने वाली बात है इसको, सवाल एक बार वापस आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे एकदम से नहीं समझ में आ रहा। क्या है सवाल? एक बेडोल पासे में 5 समांक आने की प्रायिकता 4 समांक आने की प्रायिकता की दुगनी है जब 10 बार फेंका जाता है। अगर 10 बार फेंकते हैं तो 5 समांक आने की प्रायिकता 4 समांक आने की दुगनी है। तो देखिए 10 बार फेंकने पर 5 समांक आने की प्रायिकता P5Q5 ये दुगनी है 4 समांक आने की C4P^4Q^6। अब इसको सोल्व करना है, देखिए तो ये सोल्व करेंगे तो 10×9×8×7×6 1×2×3×4×5 P^5 यहां रहने देते, उस P को नीचे ले आते हैं, 10×9×8×7 1×2×3×4 यहां Q^6 थी, ये Q^5 नीचे रह गई, तो इससे कट गया क्यू ही बचा, इससे कटा तो पी बचा। 10, 9, 8, 7 इसमें भी 1, 2, 3, 4 इसमें भी 1, 2, 3, 4 इसमें भी, यहां बचा 6P/5 उधर बचा 2Q, तो आया 6P/10Q। अच्छा पी प्लस क्यू बराबर होता है 1, तो क्यू बराबर 1 माइनस P, तो हमने लिखा 6P/10 1 माइनस P, तो 6P/10 माइनस 10P, तो आया 6P+10P दैट इज 10, तो 16P दैट इज 10, तो P बराबर आ गया 10/16, काटा तो आया 5/8, तो Q बराबर आ जाएगा 3/8। क्या मान आया अभी आपको आया समझ में कि P का मान क्या आ गया? P का मान आया 5/8 और Q का मान आया 3/8, वो 1/2 रखने का जरूरत ही नहीं, सम आने की प्रायिकता वो हमको 1/2 रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही आ गया P का मान आया 5/8 है, Q का मान आया 3/8। अब पूछा गया है 0 आवृत्ति निकालनी है, तो 10C0 P^0 Q^10 और ये घटना कितनी बार है? 10,000 बार, तो 10,000 × 1 × 1 × 3/8^10 कर लेंगे तो आएगा 10,000 × 3/8/8 ये सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तो आएगा 0.54 इसका आप सोल्व करेंगे तो आएगा 0.54। एक और सवाल देखते हैं, P=7/10 और N=60, तो आप x बार निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट का निकालिए, विषमता निकालिए, तत्व शीर्षक निकालिए, ये पूछा गया। तो देखिए P=7/10 तो Q का मान हो गया 3/10, N का मान हो गया 60, तो समांतर मान दिए N P 7/10 × 60
42। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन पी क्यू दैट इज 60 गुणा 7 बाय 10 गुणा 3 बाय 10। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर एन पी क्यू दैट इज 60 गुणा 7 गुणा 3 अपॉन 100। विषमता पूछी है तो आएगा Q माइनस पी अपॉन रूट एन पी क्यू। क्यू का मान 3 बाय 10 माइनस 7 बाय 10 डिवाइडेड बाय 3.54 माइनस 4 अपॉन 10 डिवाइडेड 3.54। ऋणात्मक विषमता आएगी माइनस का 4 अपॉन 35.4 माइनस का 0.112 ये विषमता। अगर इसी प्रकार से प्रतुशीर्षत्व पूछा गया है तो देखिए प्रतुशीर्षत्व निकालेंगे मोमेंट, मोमेंट्स के लिए आप करेंगे 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू। 3 प्लस 1 माइनस 6 गुणा 7 बाय 10 गुणा 3 बाय 10 अपॉन 60 गुणा 7 बाय 10 गुणा 3 बाय 10 कैलकुलेशन करना है। तो आएगा 3 प्लस 100 माइनस 126 अपॉन 100 डिवाइड बाय 100 से 100 कट गया 26 में 1260 का भाग देना 2.97 ये आपका विषमता प्रतुशीर्षत्व का माना जाए। अब देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कई बार क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बारीक क्वेश्चन आ जाता है कई बार जैसे आपको दे दिया x बार बराबर 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट 3। x बार बराबर 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट 3 हो तो द्विपद बंटन बंटन लिखो। तो देखिए NP बराबर 4 NPQ बराबर 3 स्क्वायर कर लिया तो NPQ अपॉन NP दैट इज 3 अपॉन 4 तो Q इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 तो P इज इक्वल टू 1 बाय 4 एन गुणा 1 बाय 4 दैट इज 4 सो एन बराबर 16 तो आया एन बराबर आ गया 16। पी का मान आया 1 बाय 4 और क्यू का मान आया 3 बाय 4। अब बंटन लिखना है तो बंटन लिख देंगे 16 सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर 16 माइनस आर ये पूरा बंटन। अगर आपसे पूरा बंटन पूछा जाए तो आर बराबर अब आप 0 रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे 16 तक रखेंगे तो आप सीधा यू ले सकते हैं 16 सी आर पी का मान रख दे चाहे तो 16 सी आर 1 बाय 4 की पावर आर 3 बाय 4 की पावर 16 माइनस आर ये बंटन पूछा। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप सीधा यहां बंटन पर भी इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि पूरा आपसे पूछा नहीं गया तो इतना आपको करना भी नहीं है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आ जाता है कई बार एक स्टाइल से और पूछ लिया जाता है पी का मान निकालो क्या पूछा गया
पी का मान बताओ यदि एन बराबर छह। पी का मान बताओ एन बराबर छह। और क्या दे रखा है? एन पी नाइन पी एक्स बराबर फोर बराबर पी एक्स बराबर टू। तो नाइन सिक्स सी फोर पी की पावर फोर क्यू की पावर टू दैट इज सिक्स सी टू पी की पावर टू क्यू की पावर फोर। इससे आप पी का मान निकाल दें तो आएगा नाइन सिक्स गुना फाइव वन गुना टू पी रेस की पावर टू यहां रह जाएगा सिक्स गुना फाइव वन गुना टू पी रेस क्यू रेस टू पावर टू रह जाएगा। कट गया नाइन पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर इसका मतलब तीन पी बराबर क्यू। देखिए क्या करना है इसमें पूछा पी का मान बताओ जब एन बराबर छह वापिस तो ये देखिए ये सवाल दे रखा है ये सवाल दे रखा है तो हमने क्या करना है ये नाइन या आर बराबर चार है और ये आर बराबर दो है एक्स लिखा है आर लिखा तो हम लिखेंगे सिक्स सी फोर तो पी की पावर फोर आएगा तो क्यू की पावर टू आएगा यहां सिक्स सी टू तो पी की पावर टू तो क्यू की पावर फोर। ओके नाइन आई सिक्स गुणा फाइव वन गुणा टू पी की पावर चार क्यू की पावर दो ये सिक्स गुणा फाइव वन गुणा टू पी की पावर दो क्यू की पावर चार ये इससे कट गया पी की पावर इसे कटी तो पी की पावर यहां दो रह गई ये क्यू उधर कटी तो क्यू की पावर दो रह गई तो आया नाइन पी का पावर दो बराबर क्यू की पावर दो तो यह आ गया तीन पी बराबर क्यू। तो तीन पी बराबर वन माइनस पी तो तीन पी प्लस पी बराबर एक तो चार पी बराबर एक तो पी का मान आ गया एक बटे चार क्यू का मान आ गया तीन बटे चार। इस प्रकार से पी का मान पूछ लिया जाए तो और पी का मान अगर ऐसे पूछ लिया जाए यहां एक्स है तो एक्स भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं एक्स लिखा होगा तब भी कोई बात नहीं यानी चार आवृत्ति के लिए पूछा है ये दो आवृत्ति के लिए पूछा और ये इन दोनों में रिलेशन पूछा है तो हम पी का मान भी पूछा जाएगा तो हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए द्विपद बंटन का और भी कोई सवाल एक्स बराबर और चार बराबर तो आप देखिए एक और स्टाइल से सवाल पूछा गया है पूछा गया है द्विपद बंटन निकालिए एक्स बराबर है चार बाय तीन और पी बराबर है वन बाय थ्री। एक और एक्स बार बराबर दो एक्स बार बराबर दो स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर फोर बाय थ्री। तो देखिए एनपी इज इक्वल टू टू और एनपी क्यू इज इक्वल टू फोर बाय थ्री तो एनपी ये दे रखा है एनपी क्यू अपॉन एनपी ये आपका फोर बाय थ्री बाय टू कट गया तो क्यू बराबर गया फोर बाय सिक्स तो क्यू बराबर गया टू बाय थ्री तो पी बराबर हो जाएगा वन बाय थ्री। तो एन गुणा वन बाय थ्री इजिकल टू टू तो एन बराबर सिक्स तो बंटन हो जाएगा क्या वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री की पावर सिक्स ये पूरा द्विपद बंटन इसका विस्तार निकाल लें। क्या पूछा था यदि x बार बराबर दो स्टैंडर्डाइजेशन का स्क्वायर बराबर चार बटे तीन हो तो संपूर्ण द्विपद बंटन निकालिए तो इस प्रकार से हम द्विपद बंटन निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से द्विपद बंटन के अचर मूल्य को निकाला जाता है। मैं समझता हूं इसमें हमने कई प्रकार के ऐसे सवाल शामिल किए हैं जो कि द्विपद बंटन के चैप्टर से अचर मूल्य के रूप में पूछे जा सकते हैं। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए द्विपद बंटन के माध्यम से किस प्रकार से अचर वैल्यू निकालने हैं इसको समझने में बहुत सहायक रहेगा।